इसके राउंड कटिंग, और आपको हम एक नया तरीका सिखाने वाले हैं बहुत ही इजीली, और आपको हैंड कटर मशीन से कटिंग करना सिखाएंगे, वो भी कैसे, इसी मशीन से। ना तो हम राउंड कटिंग मशीन चलाएंगे और ना ही ग्राइंडर चलाएंगे और ना ही आरी से कटिंग करेंगे, पूरा इसी से काम करेंगे। और आपको पूरी आइडिया के साथ में और पूरा काम बताएंगे कैसे कटिंग करेंगे। तो हम ले लेते हैं इसका मार्किंग सेंटर के साथ में, जो हम हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर पूरा लेवल के साथ में ये हमने सेंटर ले लेना है इसका। ये सेंटर आ गया, तो सेंटर आने के बाद में हमें पेंसिल से निशान लगा लेना है। तो दोस्तों हमने निशान ले लिया अपना, ये देख सकते हैं। तो इसे हम पूरा कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये ऊपर टॉप आएगा, ये काउंटर बेसन है, ये लेवल के नहीं आता, ऊपर रहेगा, ये पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा प्लेस, पूरा नीचे जाएगा इसके बॉक्स के अंदर। तो जो ये है 19 mm का, हम एक्स्ट्रा बढ़ा कर कटिंग करेंगे। हमारा लेवल निशान आ गया था, इससे हमें 19 mm मतलब 1 inch आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है बढ़ा के, ताकि हमारा जो ऊपर का प्लेट है उसका यहाँ पर आ जाए एक्स्ट्रा निकल के। तो हमें इससे निशान दे लेना है एक्स्ट्रा बढ़ा के। इसकी थल खोल लेनी है अपनी लकड़ी की, जो हमारी थल होती है वो नहीं लेना है क्योंकि उसमें हमारा निशान नहीं दिखता। और ब्लेड अपना बांध लेना है, तो पुराना होता है, नया नहीं बांधना, क्योंकि पुराना जो होता है वो थोड़ा इजी नहीं मतलब हार्ड चलता है, यहाँ पर आराम से कटिंग हो जाएगा। नया ब्लेड क्या होगा, वो फास्ट कटिंग आगे कटिंग कर देगा हमारा जो एक्स्ट्रा होता है। तो हम दिखाएंगे आपको कटिंग करके। एक ही बार में कटिंग नहीं होगा, एक ही बार में कटिंग करोगे तो मशीन भी खराब हो सकता है, और ये जो ब्लेड अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा और ये खराब कटिंग हो जाएगा। तो क्या करना है, 2-3 बार ऐसे हल्का 6-7 करके 2-3 बार कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारा पूरा लेवल आ गया और इसके ऊपर हमारा ग्रेनाइट आने वाला है इसके यहाँ पर। अब आप सोचोगे ये लेवल पूरा पलाई से ही करने वाले हैं, पलाई आएगा यहाँ पर हमारा 2 mm का, फिर इसके ऊपर ग्रेनाइट आएगा पूरा, इसके ऊपर पानी पूरा यहाँ से अंदर जाएगा, तो क्या होगा इसका सेफ्टी फुल होगा, तो फुल लेवल कटिंग हमारा आके पूरा इजली आराम से सेट हो गया।